ये वेनिस में एक सुपर स्टोर पे आए हैं हम, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देख के खुशी हुई है। तो ये भाई है, ये बांग्लादेश से भाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? सब खैरियत है? हाँ, अच्छा, कब से आप यहाँ पे भाई? एक महीना एक महीने बाद? उससे पहले? अच्छा, उससे पहले भूल गया था। बल्गेरिया। अच्छा, सही सही। तो यहाँ पे बहुत सारी इनके पास ये सुपर स्टोर है। यहाँ पे टैंग भी है भाई, टैंग भी पाकिस्तानी है। है ना? टैंग भी है, कॉफी भी है। नहीं, कॉफी नहीं, टैंग पाकिस्तानी है ना? टैंक पाकिस्तानी कहाँ का है? नहीं है, बांग्लादेश का। अच्छा, बांग्लादेश का टैंक। अच्छा, लेकिन ये जो लजीज़ा है, लजीज़ा खीर मिक्स, ये सेम पाकिस्तानी जो हम लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मेड इन पाकिस्तान भी लिखा होगा। कहाँ लिखा है मेड इन पाकिस्तान? लाजोनी चलती है पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान कहाँ लिखा हुआ है? चेक करें। और यहाँ पे रूह अफ़ज़ा भी है, देखें। रूह अफ़ज़ा भी भाई, यूरोप में रूह अफ़ज़ा मिल रहा है, उर्दू में लिखा हुआ है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। रूह अफ़ज़ा तो अपना ही है। ये लिखा हुआ मेड इन पाकिस्तान, ये लिखा है हमदर्द लेबर्टी वक्फ पाकिस्तान, ये रूह अफ़ज़ा है। और उसके अलावा यहाँ पे अहमद अहमद का अचार भी है। वाह 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 वाह, इसकी तो मैंने फैक्ट्री भी देखी हुई है। अहमद का अचार जो शेरशाह में इसकी फैक्ट्री है, वो अचार भी यहाँ मिल रहा है। शान के भी मसाले मिल रहे हैं, ये देखें, शान बम्बई बिरयानी। थोड़ी सी पैकिंग डिफरेंट है। उसके अलावा बाकी भी यहाँ पे, अब ये बेसिकली ये अपने देसी भाई हैं ना, तो यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेश के भाई जो हैं, वो सारे जो है वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो उनको पता होगा कि भाई ये अपने भाई का स्टोर है, ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। और चावल भी यहाँ पे जो है, ये भी पाकिस्तानी है, ये चावल भी, क्योंकि सेला राइस है। हाँ, ये ओए होए लिखा हुआ भाई, ये पाकिस्तानी राइस है ना। तो वहाँ पे क्योंकि नॉर्मली जो यूरोपियन या अंग्रेज़ लोग हैं, वो दूसरा एरी चावल खाते हैं ना, मोटा वाला। मोटा और वाला जो बाकी जो चावल है, वो हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने भाई ने चावल भी रखे हुए हैं। एक खुद का चावल ये चावल तो नहीं बहुत छोटा बनता है। हाँ, ये खुद हम का वहाँ नहीं चावल खाते हैं। नहीं। चावल में क्योंकि यूरोप में जो चावल है ना, आपको सबसे अच्छे चावल जो है ना वो पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन महंगे हैं। हाँ क्योंकि जो मैं हमारे यहाँ जर्मनी में हम चावल हम लेते हैं ना, तो जो पकाने के बाद इतना बड़ा होता है चावल, पाकिस्तानी। और वहाँ पाकिस्तानी, और बिरयानी उसकी तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही हाँ अच्छी बिरयानी बनती है, हाँ लेकिन एक्सपोर्ट थोड़ा क्वालिटी का होता है महंगा ना। है वो चावल, लेकिन हाँ, क्वालिटी बहुत जाहिर है सुपर है, जाहिर है। बहुत ही अब ये देखें ना, क्वालिटी ये लासानी फूड्स, ये लासानी फूड्स, ये पाकिस्तान का ही लग रहा है मुझे। अच्छा, और यहाँ पे प्याज जो है 1.5 यूरो किलो है, और लहसुन 6 यूरो। 6 यूरो का किलो है। अच्छा, अच्छा, एक चीज जो है वो हम लोग यहाँ पता नहीं, मुझे इटली का मैंने नहीं देखी, लेकिन जर्मनी और मैंने फ्रांस में भी जो हम देखेंगे शायद, क्योंकि जर्मनी में भिंडी बहुत अच्छी मिलती है पाकिस्तानी, अच्छा भिंडी बहुत ही प्यारी बनती है, और भिंडी हम पकाते हैं ना तो उतनी खुशबू आती है क्या उसकी, बात इसकी है, वही क्या बात है उसकी, क्या बात है, क्या बिल्कुल बात है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो काफ़ी बांग्लादेशी जो है, सोन पापड़ी भी रखी हुई हमारे भी है, बराबर है, हमारे और भी यहाँ पे बराबर जो है वो अपनी तो हम ये अच्छी नमकीन बताएंगे निम्को भी रखी हुई है, ये भी अल्लाह। बांग्लादेश है। तो बहुत सारी अच्छा, चीज़ें यहाँ पे मदीना मिक्स वाला हैं। पार्ट देखा, गए मदीने गए हो? हाँ, नहीं, मैं नहीं गया, मक्का मदीना, अच्छा, मैं तो 2 बार गया हूँ, चलो मैं ये तो देखें, मदीना ये गया हूँ। भी चलो लच्छा, अल्लाह फिर दुआ करे इंशाल्लाह। ये वो कहते हैं ना, वो रमज़ान में क्या खाते हैं इसकी, फेनी फिंगर फिश, शेफ, फेनी 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 फैनी फेनी, फैनी, लिखा हुआ ये फेनी। हाँ तो ये फैनी फैनी भी तो है, ये भी पाकिस्तान, पाकिस्तानी ये है। तो रमजान शरीफ में बहुत यूज होती है, प्रोडक्ट पता है ऑफ आपको रमजान शरीफ पता क्या क्या सहरी में क्या करते हैं, दही डाल के खाते हैं, बहुत मजा पाकिस्तान, आता ये देखिए, प्रोडक्ट यूरोप में ये चीज़ें रखी हुई हैं, और पाकिस्तान में लिखा है, है। खुशी भी मिल गई।